मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड 48 से पार्षद प्रत्याशी से देखिए ये खास बातचीत। अभी एक सर है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सर खड़े हुए हैं, इनका मुद्दा क्या रहेगा। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार जी, मेरा नाम प्रशांत राज है जी। मैं पार्षद प्रत्याशी वार्ड 48 से खड़ा हूँ, पिछली बार भी मैं खड़ा हुआ था जी। आपका सर मुद्दा क्या रहेगा, अगर आप जीत जाते हैं तो सर मुद्दा क्या रहेगा आपका? समस्याएं वैसे ही पड़ी रह जाती है और 5 साल बीत जाता है जी जी। जैसा कि लोग से हम मिल रहे हैं, लोगों के बीच से बात आ रही है जी। जहाँ पे रोड मिलाना बना हुआ है जी, वहाँ पे सफाई की समस्याएं हैं जी, रोशनी की समस्याएं हैं जी। और जहाँ पे जो समाज के सबसे निचले पायदान के लोग हैं, जहाँ पे माताएं बहनें सब हैं, विद्यार्थी हैं, वहाँ तक योजना पहुँच नहीं पा रहा है जी, जी। अभी मैंने ये चीज़ देखा कि 5 साल बीत गया जी, जी। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना, राशन कार्ड जस के तस पड़ा है। यहाँ पे तो ये भी हो रहा है कि राशन कार्ड किन्हीं का चालू तो है लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, उसका बिक्री कोई और कर रहा है जी, जी। ये चीज़ समस्याएं हैं। तो मैंने एक इसका हल निकाला है कि मैं अगर मैं जीतता हूँ तो मैं RTPS काउंटर जी, जी। अपने वार्ड 48 में लेके आऊँ। मेरी बात हुई है उच्च पदाधिकारी से कि RTPS काउंटर आने से एक समस्या, ये समस्या खत्म होगी शुरू में ही कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना की समस्याएँ पार्षद मीडिएटर बनेंगे, दौड़ के काम कराएंगे, रसीद आम पब्लिक भी कटवा सकती है जी, जी। तो शुरू के पहले 6 महीने में ये समस्या मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा जी, जी। जो 5 साल बीत जाता है, लोग बोलते हैं लेटर लिखे हैं, चिट्ठी लिखे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, आएगा जी, जी। ये समस्या पहले ही खत्म। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें साफ सफाई पे ध्यान देना है, रोड नाला का निर्माण पे ध्यान देना है, प्लस जो हमारे युवा जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तरफ से या मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं लोग, हमारे वार्ड से भी बहुत सारे बाहर जाते हैं, उन सबको योजनाओं के बारे में जागरूक करके उस योजना का लाभ दिलाऊंगा। बहन बेटी है या नया जो बाबू वो जन्म लेता है ना, जो लड़कियाँ होती हैं, जो मैंने अभी भी देखा है, कुछ समय पहले ही देखा है कि एक घर में 3 बेटियां हैं और वो माँ बाप परेशान है, एक विकलांग भी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन न मुख्यमंत्री योजना में है न प्रधानमंत्री योजना में। इस तरह की योजनाओं का जागरूकता मैं सबको फैलाऊंगा, उससे लाभ दिलाऊंगा। और जहाँ पे रोड नाला बना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पे रोशनी की समस्या, साफ सफाई की समस्या उसे दूर करूँगा।